हर घर तिरंगा अभियान के तहत देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है। बीजेपी के तमाम सांसद विधायक अपने अपने क्षेत्र में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और ऐसी ही तिरंगा यात्रा दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने भी निकाली है। सर, हम देख रहे हैं कि देश भर में जगह जगह तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैसेज स्पष्ट है कि तिरंगे से बड़ा कुछ भी नहीं। हमारे लिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे हो गए, अब हम 75 साल के अमृत महोत्सव को मनाते हुए पिछले एक साल से यहाँ तक आए हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सिंपल सा थॉट है कि हमारे लिए देश सबसे ऊपर है तो तिरंगा सबसे ऊपर है और इस तिरंगे के सम्मान को जन जन तक पहुंचाना है, इसीलिए गली गली तक तिरंगे यात्रा को लेकर के जाना है। ये सारे लोग जो सड़कों पे चल रहे हैं, हम लोगों ने आज तो केवल हमने रात में एक व्हाट्सएप मैसेज किया है क्योंकि 14 अगस्त को हम विभीषिका दिवस मना रहे हैं और विभीषिका दिवस के दिन हम शोक मना रहे हैं। हमारे देश को 3 टुकड़े कर दिए गए थे आजादी के नाम पर, तो हमें उसकी सारी बारीकियों को भी बताना है मगर तिरंगे के सम्मान को घर घर पहुंचाना है, इसलिए तिरंगे यात्रा की शान के साथ चलना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री समेत तमाम लोगों ने, आपने भी सोशल मीडिया पे अपनी डीपी चेंज कर ली, प्रधानमंत्री ने अपील भी की थी। देखिए, तिरंगा हमारा शान है, तिरंगा हिंदुस्तान के लिए बलिदान हुए लोगों का निशान है। तिरंगा अब चांद पर भी पहुंच गया। अब हम जब वैक्सीन बनाते हैं तो दुनिया भर के लोग सबसे पहले उसको लेकर के जीवन बचाते हैं कोविड जैसी महामारी में। भारत ही एक ऐसा देश है जो कहता है दुनिया को युद्ध की नहीं बुद्ध की जरूरत है और इस तिरंगे का शान आज इतना बढ़ गया है कि अगर कहीं दो देशों में युद्ध होता रहता है और ये तिरंगा लेकर के कोई निकल जाए तो युद्ध बीच में बंद हो जाता है कि तिरंगे वाला पार हो जाए, उसके बाद कोई बम गोला चले। तो इस तिरंगे की शान को हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। मैं अपनी लोकसभा के लोगों का बहुत शुक्रगुजार हूं और देश भर के लोगों का। नरेंद्र मोदी जी का एक आह्वान ऐसा लगता है जैसे वो राष्ट्र का अभियान बन जाता है। लेकिन हमें सिर्फ बीजेपी के जो सांसद हैं, विधायक हैं, वही तिरंगा यात्रा निकालते हुए नजर आ रहे हैं या फिर आम जनता नजर आ रही है, विपक्ष से आप क्या अपील करेंगे? देखिए, विपक्ष तो निराशा के गर्त में है। जब वो संस्कृति मंत्रालय के द्वारा बुलाए गए तिरंगा यात्रा में नहीं आ सकते हैं तो फिर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी के बुलाए तिरंगा यात्रा में कैसे आएंगे? मेरा निवेदन है इस विपक्ष को कि समय है, तिरंगे को नरेंद्र मोदी मत समझो। तिरंगा इस देश की शान है, नरेंद्र मोदी उनका सम्मान करते हैं, आप भी तिरंगे का सम्मान करो, नहीं तो ये देश आपको, आप जहां खड़े हैं वहां से भी उठा के फेंक देगा। हर पॉलिटिकल पार्टी के लिए सिर्फ उसके दल को बढ़ाना ही उद्देश्य नहीं होना चाहिए। तिरंगे की शान के लिए कुछ दिन सड़क पे चलेंगे और किसी दिन मौका मिला तो हंसते हंसते देश के लिए बलिदान हो जाएंगे। तिरंगे पे दो लाइनें, हम लोग तिरंगे के लिए बहुत सारे गीत गाते हैं। हम लोग अभी तो सबसे बड़ा गीत है कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा रहे, वीरों को हर्षाने वाला प्रेम सुधा बरसाने वाला, इस पे अर्पण तन मन सारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, विजयी विश्व तिरंगा मोदी जी को भी है प्यारा, विजयी विश्व तिरंगा जन जन को है सबसे प्यारा, विजयी भारत माता की, भारत माता की। हमें इस तिरंगे के यात्रा के साथ
अभी अगले 15-20 दिन चलते रहना है। भाई मनोज हमसे बात करने के लिए, तो देश भर में तिरंगा यात्राएं निकाली जा रही है और ये मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि इस तिरंगे के लिए जो हमारे देश के जो अमर शहीद थे उन्होंने कुर्बानी दी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपनी कुर्बानी दी, उनकी कुर्बानी को याद रखा जाए। कैमरा पर्सन संजीव के साथ अनंत प्रकाश पांडे, टीवी।